तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद अन। तो आज निकल पड़ा हूँ थोड़ा राइड के लिए। से बाइक नहीं निकल रहा था, इसलिए चलो सोचा कि लंबा चलते चलो। तो अभी बर्धवान का जो रोड है, मैं उसी रोड पे हूँ। गाड़ी अभी 100 पे चल रहा है। बहुत दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ, बहुत दिनों बाद। मैं ज़्यादातर यूट्यूब रिलेटेड जो भी चीज़ होता है ना, मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट है फ्यूटेक कंपनी की तरफ से, एक गिम्बल है जो कि है 3-एक्सिस गिम्बल। एंड इसका जो खासियत है, ये एक्शन कैमरा के लिए बना हुआ है। तो GoPro भी लगेगा, कोई भी एक्शन कैमरा लग जाता है। तो अभी के लिए तो फिलहाल मेरे पास GoPro है। इसका अनबॉक्सिंग थोड़ा देख लो। तो अनबॉक्सिंग तो मैं गाड़ी चलाते चलाते नहीं करूँगा, तो अनबॉक्सिंग के लिए घर में जाना पड़ेगा। तो चलो बैक टू होम। तो बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरीके से आता है, आप देख सकते हो। इसके अंदर ये, तो ये एक बबल रैप, उसके बाद ये मेन यूनिट, तो नीचे भी एक बबल रैप होता है। तो ये सबको साइड में करता हूँ एंड इसको अभी अनबॉक्स करता हूँ। तो बॉक्स पैकिंग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है एंड प्रॉपर है। पीछे कुछ लिखा गया है, अभी इसका अनबॉक्स करता हूँ आप लोग के सामने। इसमें प्रॉपर लिखा है, आप इसमें हीरो 7 अच्छे से सपोर्ट हो जाएगा। तो बॉक्स को ओपन करने के लिए ये देखिए, वाओ। तो ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा गुड क्वालिटी का बैग है। तो चलो अभी इसके अंदर देखते क्या है। यहाँ पे अच्छे से ब्रांडिंग किया गया है एंड ये, तो ये कुछ मैनुअल्स है एंड इसके अंदर भी मैनुअल्स है। इसको कैसे सेटअप किया जाए प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हो। तो अभी बॉक्स के अंदर देखिए क्या क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर पहले देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले एक चार्जिंग केबल मिल जाता है जो कि है माइक्रो USB। इसको मैं साइड में करता हूँ एंड 2 स्क्रू मिल जाता है, अगर खो जाता है तो एक्स्ट्रा स्क्रू काम में आएगा। एंड माइक्रो USB 2, USB-C टाइप, ये आपका GoPro चार्जिंग के काम में आएगा। तो ये रहा मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे रबराइज मटेरियल है जिसके कारण आप आसानी से ग्रिपिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक स्क्रू थ्रेड दिया गया है जिसकी मदद से आप इसे ट्राईपॉड में सेट कर सकते हो। और एक स्क्रू है इस साइड पे, ये तो ये भी बहुत सारे काम में आता है। अभी तो मेरा ये किसी काम का नहीं है। और बाकी बटन देखिए, यहाँ पे एक जॉयस्टिक जैसा दिया गया है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ, यहाँ पे रिकॉर्ड। GoPro आप कनेक्ट करोगे तभी ये रिकॉर्ड बटन काम करेगा GoPro के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। एक बटन दिया गया है एंड यहाँ पे USB पोर्ट, तो USB पोर्ट कुछ छुपा है इस जगह, ये देखिए। एंड यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये आपका टिल्ट होने में काम में आता है। और यहाँ पे 2 बटन। तो इस बटन के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। और एक चीज़ है, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले भी है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ ये। एंड बैटरी जो है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो बैटरी है इसका कैपेसिटी आप देख सकते हो। एंड ये और एक चीज़ है, ये कुछ इस तरीके से पूरा रोटेट हो जाता है। एंड ये भी पूरा रोटेट नहीं होता है, इस तरीके से ये रोटेट होता है जैसे। एंड ये भी पूरा रोटेट हो जाता है। एंड अभी इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ये लॉक एंड अनलॉक के हिसाब से, ये देखो। तो अभी मैं इसमें GoPro लगा के दिखा देता हूँ। तो अभी देखिए, अगर आप इस तरीके से सेटिंग करते हो, आप इस तरीके से सेटिंग करने का एक तो फ़ायदा है, आप जब GoPro इससे निकालोगे तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर इसके अंदर से सेट करते हो तो ये पूरा हिस्सा आपको खोलना है, उसके बाद ही ये निकल आएगा। तो अभी मैं GoPro को ऑन करता हूँ, तो ये पहले ऑन कर देता हूँ
ये देखो, तो ये GoPro ऑन हो गया। अभी मैं इसको टाइट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बैठ गया। एंड जो बैलेंसिंग करना है ना, काफ़ी अच्छे से करना है। एंड ये आप देख सकते हो, बैलेंसिंग कुछ सही नहीं है। ये देखो, कुछ इस तरीके से ज़्यादा आ रहा है। तो अभी क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा ढीला करना है। ये तो ये ढीला हो गया, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा इसे अंदर करो या बाहर करो, तो ये प्रॉपर बैलेंसिंग हो जाएगा। ये देखो, तो ये अभी प्रॉपर बैलेंस है, तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ये देखो, अभी प्रॉपर बैलेंसिंग हो गया। तो ये अब GoPro अभी ऑन है, तो आप इस हिसाब से भी, अगर मान लीजिए GoPro यहाँ पे रहेगा, तो तभी भी आप इसे आसानी से केसिंग में ले सकते हो। तो ये देखो, तो आपका GoPro काफ़ी अच्छे से, ये जो केसिंग दिया गया ना, अच्छे से बैठ जाएगा। तो एक GoPro तो यहाँ लग गया, और भी अगर GoPro इसमें रखना चाहते हो तो यहाँ पे दो जगह दिया गया है, इस दो जगह पे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो अभी चलो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अभी GoPro मैंने लगा दिया है, तो अभी इसको ऑन करते हैं। इसको कुछ देर प्रेस करने से ये देखिए ऑन हो गया। तो ऑन होने का टाइम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है। तो अभी देखिए, इसका जो फंक्शन है, मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। ये जो जॉयस्टिक है, इससे आप राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन कर सकते हो। तो अप एंड डाउन कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो पूरा रोटेट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक बात, यहाँ पे और एक बटन है, ये जो बटन है, इसको प्रेस करके आप जो फंक्शन है उसको चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपका GoPro के साथ कनेक्टेड है, तभी आपका ये चीज़ बहुत काम में आएगा। GoPro का सेटिंग भी इससे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे तो USB पोर्ट है, और यहाँ पे जो बटन है, टिगर बटन, तो इसको मैंने दो बार प्रेस करने से, ये देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। तो अभी आपका जो नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो अगर सेल्फी मोड में लेना चाहते हो तो इसको तीन बार प्रेस करना है, 1, 2, 3, ये देखिए। तो ये आ गया सेल्फी मोड में। तो अभी फिर से मुझे वापस जाना है, तो ये जो ट्रिगर बटन है, इसको दो बार प्रेस करने से ये अपने बैक मोड में चला जाता है। ये पहले से लॉक मोड में रहता है, तो अभी इसको इस तरीके से प्रेस करो या इस तरीके से, तो ये ज़्यादातर कुछ नॉर्मल पोजीशन को पकड़ के रखता है। अगर लॉक फ्री करना है ना, इसको दो बार प्रेस करना होगा, ये लॉक फ्री हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं जहाँ टिल करता हूँ वो उसी हिसाब से जो कैमरा मूवमेंट है कर लेता है। ये बहुत सारा फंक्शन है, आगे और एक डिटेल रिव्यू मैं बनाऊंगा। तो डिस्प्ले में आप देख रहे हो, एक ब्लूटूथ का साइन है, एक वाईफाई का साइन है, एक AF है, एंड उसके बाद बैटरी सिंबल एंड एक एक्शन कैमरे का। तो बेसिकली मैं अगर फ्री मोड करता हूँ तो ये HF हो जाता है, मतलब जो फ्री मोड होता है ना, तो इसी में काम करता है। एंड ब्लूटूथ एंड जो वाईफाई सिस्टम है, आप अगर इसका फ़ोन में ऐप है उसको ऑन करोगे तो ये ब्लूटूथ मोड में ऑन हो जाएगा। उसके बाद कैमरा जो है ना, कैमरे को भी कनेक्शन करना पड़ता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ ये। तो फ़ोन का इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हो मेरा जो गिम्बल है वो भी ऑन है, और कुछ ऑटो कनेक्टेड रहता है, ये देख सकते हो, एंड ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आप इससे आसानी से अपना मूवमेंट ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। देखिए, डिस्प्ले में बहुत सारा चेंजेस आ गया है। ब्लूटूथ का कनेक्शन ओके हो गया है, वायरलेस का कनेक्शन भी ओके हो गया है, बैटरी का तो ओके था, अभी AF है, उसको फिर से अगर चेंज करना है तो ये देखिए HF हो गया। तो अभी जो कैमरे का जो सिंबल है वो भी ओके हो गया, मतलब मेरा GoPro अभी पूरा कनेक्टेड है इस गिम्बल से, GoPro कनेक्टेड है। तो अभी भी आप इसको इस तरीके से घुमा सकते हो। तो ये देखो, ये मैं जिस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिक उसी पोजीशन में आ जाता है। तो अभी नॉर्मल मोड में ये, तो कुछ इस तरीके से इसका सेटिंग है। जो ऐप्स है काफ़ी अच्छा है, अगर मान लीजिए फ़ोन नहीं है तब भी अगर GoPro का वायरलेस सिस्टम ऑन है तो ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाता है। तो अभी मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ।
मैं GoPro को हाथ नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे जो कैमरा बटन है उसको एक बार प्रेस करूंगा तो ये रिकॉर्ड चालू हो गया। अगर इसको बंद करना है तो फिर एक बार प्रेस करना होगा तो ये बंद भी आराम से हो जाता है। और एक चीज़ आपको दिखाना है, यहाँ पे जो सेटिंग्स का बटन है ना, ये जो बटन है, ये बटन, इसको एक बार प्रेस करने से क्या होता है, ये देखिए अभी टाइम लैप्स मोड में आ गया। फिर एक बार प्रेस करता हूँ तो ये वीडियो मोड में आ गया, और एक बार जो फोटो मोड उसमें आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो बटन है उसे मैं प्रेस कर देता हूँ एंड क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो कैमरे का सेटिंग है वो आ जाता है, 4K है एंड 2.7K है, ये सब आप इधर से भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने का टाइम इसको प्रेस करके रखना है। तो ये पूरा सेटिंग जो इसमें किए हो ये सेटिंग उसके अंदर आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, टिगर बटन तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अभी इसका कुछ शॉट देखिए। का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग को खरीदना है तो सिंपली लिंक पे जाके क्लिक करो एंड परचेस कर सकते हो। तो चलो आज का वीडियो यही तक था, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो बाय बाय।